हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? होप आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से चल रही होगी और आप अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। पर आज मैं ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है या उन स्टूडेंट के लिए है जिनकी स्टडीज़ मतलब पूरे तरह से हार्म हो रही है उनके पर्सनल इश्यूज़ के वजह से, रिलेशनशिप इशूज़ के वजह से, या बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे लाइफ में। मतलब कि इस एज में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया का टाइम है, और जो डिटैचमेंट ऑफ स्टडी है, मतलब इसके अनेकों कारण हैं, लॉट्स ऑफ रीजंस हैं कि हम डिटैच हो जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस सब चीज़ के बीच में हम अपने पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, तो मेरे पास कुछ टिप्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आप इसको फॉलो करो, आपको ज़रूर ही बेनिफिट्स मिलेगा। तो सबसे पहले है कि रिलेशनशिप, बहुत से ये जो हमारा एज होता है अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई का और जो भी रिलेशनशिप का वो सेम ही एज होता है लगभग, और वो एक्सेप्शंस में आते हैं जो लोग किसी भी एज में ये सब चीज़ कर रहे होते हो। सो एक्सेप्शन की बात नहीं होगी। तो यहाँ सबसे जो मेजर रीज़न होता है रिलेशनशिप में कि आपका जो भी है गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है वो किस तरह से है, आपको सपोर्ट कर रहा है या फिर वो रिलेशन आपके लिए टॉक्सिक बन गई है, तो ये मेरे से बेटर आप जान रहे होंगे। लेकिन किसी भी रिलेशनशिप का मैटर मतलब यही होता है कि वो आपको सपोर्ट करे आपके अच्छे चीज़ में। ऑब्वियसली आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप फ्यूचर में एक डॉक्टर बनोगे और आपका करियर जो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी, तो इसके लिए आपके पार्टनर को आपको सपोर्ट करना चाहिए। मान लो कि आप बात करते हो 2 घंटे 4 घंटे और नीट की तैयारी में हो, आपके जो पार्टनर है या वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं 10 मिनट 20 मिनट, तो आप इस चीज़ को एडजस्ट कर लो जब तक उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो किसी अच्छे कॉलेज में नहीं चले जाते हैं। तो ये आप दोनों के फ्यूचर के लिए और आप दोनों के करियर के लिए बेटर होगा अगर आप म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। तो इस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। दूसरा है सोशल मीडिया का, कि बहुत सारे बच्चे हैं जो दिन दिन भर इंस्टा रील्स ही देखते रह रहे हैं, कि नहीं उनको रील्स ऐसी चीज़ है कि मतलब एक बार आप देखोगे फिर अलग अलग आएगा, आपके इंटरेस्ट की चीज़ें आएंगी, हंसी फन वाला देखते हो तो फन वाला आएगा, जिस तरह का देखते हो। तो आप रील्स का भी एक टाइम बना लो, आपके जो इंस्टाग्राम्स होते हैं उसमें टाइमर्स लगे होते हैं कि आप इतना टाइमर्स तक देखोगे, उसके बाद वो खुद आपको रिमाइंड करेगा कि आपका टाइम जो है वो ओवर हो गया है। तो आप वैसे कर सकते हो। एक चीज़ आप और कर सकते हो कि आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो 45 मिनट पढ़ो आप अच्छे से पूरे फोकस होके, उसके लिए आपको सारे अपना फ़ोन साइड में रख दो, उसको ऑफ करके रख दो या साइलेंट पे रख दो, उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लो। उस 10 मिनट में आप अगर किसी से बात करना चाहते हो तो आप बात कर लो, या फिर आप रील्स देखना चाहते हो तो रील्स देख लो, स्टोरी देखना चाह रहे हो तो स्टोरी देख लो। स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी दुनिया से कट जाओ, एक अलग सुनसान जगह पे रहो और पढ़ाई करो, नहीं। पढ़ाई के साथ साथ फ़न करना भी उतना ही ज़रूरी होता है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे बॉडी के लिए, सब चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, वो भी आपके दिमाग में जाएगा नहीं। तो इसके साथ साथ आप पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो, आप इन सब चीज़ों को भी साथ में लेके चल सकते हो, और लोग चलते हैं और वो सेलेक्ट भी होते हैं, अच्छे कॉलेजेस में भी जाते हैं, अच्छे मार्क्स भी आते हैं उनके, तो आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, पर आप डिटरमाइन हो कि नहीं, आपको अपना पूरा अपने गोल पे आप फोकस्ड हो कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे अच्छे कॉलेज में ही जाना है, मुझे अपने ड्रीम कॉलेज में ही जाना है, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सो इट वॉज सम टिप्स टू यू, प्लीज फॉलो दिस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।